ये एसी में कूलिंग नहीं आ रही बोल के कंप्लेंट आया, तो अपन आके चेक करें क्या प्रॉब्लम है। तो एसी को मैं आके ऑन करा, कूल मोड पे लगाया, 16 पे लगा दिया टेम्परेचर, मशीन ऑन हो गई, इंडोर चल रहा बराबर। अब इससे जो कंट्रोल फेस भी आ गया, जो आउटडोर को ऑन करने के लिए इंडोर से फेस जाता ना, वो भी आ रहा अपने को। तो पीसीबी वगैरह सब ओके है। अब आके मैं आउटडोर चेक कर रहा हूँ। अब आउटडोर में देख सकते हैं यहाँ पे फैन मोटर चल रही, रनिंग है फैन मोटर, लेकिन कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है इसका, इसलिए क्या है कूलिंग नहीं आ रही। तो अब कंप्रेसर कहीं को ऑन नहीं हो रहा वो चेक करना पड़ता। फर्स्ट जो है कैपेसिटर चेक कर लेना, कैपेसिटर कुछ भी शॉर्ट सर्किट हुआ या क्या है। तो कैपेसिटर तो इसका नया ही दिख रहा, कुछ भी शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो एक बार ये साइड का ढक्कन खोल लेता हूँ, ढक्कन खोल लेता हूँ, मालूम आता कंप्रेसर का क्या हिस्सा है। यहाँ पे देख सकते हैं रेसिप्रोकेटिंग इसके अंदर कंप्रेसर है ओल्ड मॉडल का। अब यहाँ पे इसके वायरिंग जल गई, तो इसलिए जो है कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा। तो ये जो है सिंपल, ये जो इसके पिना रहते ना, पिना कट कर देंगे, नए पिना लगा देना, वायर क्लिपर लगा देके उसके टर्मिनल पे अगर कुछ भी रश रहा तो साफ कर देंगे, वायरिंग वे कर दिए तो कंप्रेसर ऑन हो जाता। वीडियो पसंद आया तो लाइक।